आज हम लोग AI एक साथ प्रैंक करने वाले हैं। मेरे साथ आज कुछ प्रैंक करने वाला था, ये यहाँ से हो रहा है, अभी हम इसके साथ प्रैंक करते हैं। भाई क्या कर रहा है? I see you anywhere. तो ब्रो दिस फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल AIA व्लॉग्स। भाई इंट्रो बहुत दिन बाद हो रहा है, नहीं क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग्स डाल दिए थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से यार व्लॉग्स जो थे वो और नहीं आ पा रहे थे। एक महीने से लगभग एक महीने तो मतलब कुछ ज़्यादा बोल दिया भाई, एक हफ्ते या दो हफ्ते के लगभग भाई बुखार बुखार चल रहा था। तो अभी परफेक्ट हुआ है आपका जो AIA व्लॉग्स, मतलब परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट एक इक्वल हुआ। तो बस चालू कर दिया व्लॉगिंग, मतलब एक महीना हो भी गया था, सोचा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाते हैं यार, मतलब कुछ करते हैं नया। और आज भैया 4 बजे उठ गए, मुझे वीडियो करनी थी अपलोड। ठीक है, वीडियो अपलोड करने के लिए भैया इंटरनेट तो उस समय एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन हो, चाहे जो भी हो, सब कहते तो भाई हैं कि बढ़िया चल रहा है इंटरनेट, मतलब ऑसम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो रियलिटी आती है ना, इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब सबेरे अगर आप वीडियो बफर करना चाहते हो यूट्यूब पे, 1080p तो वैसे ही बंद कर दिया गया यूट्यूब में कि इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है। क्वारंटाइन है तो लोग सब घर पर ही हैं, तो सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो भैया इंटरनेट पूरा घुस गया। तो जो मौसम हो रहा है भाई काफ़ी ठंडा सा हो रहा है, क्योंकि भाई कल अभी हम लोग यहाँ आंधी वांधी और हल्की सी बरसात हुई थी। भाई एक चीज़ बताते हैं, गूगल पे डाला मैंने कि यार क्या विल इट टुडे रेन, बताता नहीं होने वाला ऐसा कुछ, टुडे फोरकास्ट इज ओनली बादल सा हो रहा है ऊपर एंड नथिंग। एंड जब कुछ देर बाद देखा गया, घंटे दो घंटे बाद, तो भैया बरसात चालू हो गई। और अभी तो देखो देख रहे हो ये ऊपर, ये देखो अभी ढंग से निकला भी नहीं हुआ, फिर भी वी आर जस्ट वोक अप, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश सी फीलिंग आ रही है, मतलब एक अनबिलीवेबल। You can just see. मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि वैसे कोई मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकलता है, बट जब मतलब अनाउंस किया गया है कि सब कुछ बंद है, तब पूरा देश निकलेगा बाहर। भाई लिखी लिखाई बात है। अभी भाई अगर हम लोग बाहर चले जाएं, कुछ देर पहले शायद मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी थी भाई, वो डिलीट हो गई, वरना आपको दिखाते भाई, शायद एक महीने पहले की है। मतलब जब मैं बाहर गया था, बाहर क्या गया था भाई, सामान वामान लेने के लिए, तो भाई इतनी भीड़, मतलब वहाँ पर ब्लॉग बनाए हुए हैं ऑलरेडी सब ने, कि गोले बने हुए हैं कि भाई हाँ कि मतलब फॉलो करना है रूल, बट भैया क्या हाल चाल है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब खड़े हैं सब चिपक चिपक के, मतलब इतना प्यार है अंदर है, उमड़ रहा है भैया, दुकान वकान से कोई मतलब ही नहीं है। टाइम चल रहा है कि क्या चल रहा है, घुस गए जाकर सब, ये बाहर भी चल रहा है। एक आध अंकल जी बुढ़े बुढ़िया, आप लोगों की स्टोरी बताता हूँ कि भाई अप्रोक्सीमेटली भाई 11 12 13 साल के थे हम लोग, तो भाई यहाँ पे आगे हम लोगों का पार्क पड़ता है, वाटिका पार्क, नक्षत्र वाटिका पार्क, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे खेलने के लिए क्रिकेट। ठीक है, पहले तो काफ़ी हम लोगों ने खेला था, कि मतलब काफ़ी खेलते दोस्तों के साथ में जाते, धीरे 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 वहाँ पर रूल चेंज होने लगे। एक बार की बात है, यहाँ पे पीछे भी हम लोगों का पार्क पड़ता है, तो दो हम लोगों के पार्क हुआ करते थे, हम वहाँ जाते थे, पहले तो माली दौड़ा लेता था। एक बार की बात, हम लोग वहाँ खेल रहे थे, तो दो बुड्ढे आते हैं, बेटा कहते हैं बेटा आप यहाँ पे कैसे खेल रहे हो, हमने कहा अंकल बल्ला लिए ओवर बॉल है उससे खेल रहे हैं, बस हो गया खेल रहा। आता बुड्ढा बाहर चला जाता है, हम लोग घर चले आते हैं। और ऐसी एक इंसिडेंट से, हम लोग छोटे थे खेलते थे, तो भाई मेरे दोस्त ने बॉलिंग कराई, बॉलिंग करवाने के बाद में जब मेरी बैटिंग की बारी आई, मैंने बॉल मारी, भाई अंकल जी बैठे हुए थे, मतलब ये इंसिडेंट दो बार हुआ था, अंकल जी बैठे हुए थे, उनकी यहाँ पर लगी एक बॉल, अंकल जी की आंखों में आंसू आ गए। तो जस्ट हम लोगों ने किया क्या, बल्ला उठाया और बॉल उठाई, क्योंकि उस समय हम लोगों का जो था वो सेफ नहीं था, तो बस भाग गए हम लोग वहाँ से। वहाँ पे पीछे हम लोग का ग्राउंड बहुत पड़ता है, वहाँ पे हम लोग जब गए हुए थे, वहाँ पे खेल रहे थे, भाई बुड्ढा आता बैट लेके भग जाता भाई, मतलब एक आता कहता कैसे खेल रहे हो, ऑब्वियसली बात है बल्ले और बॉल से खेल रहे हो, कैसे खेलेंगे ईटे गुम्बे से तो खेल ले रहे हैं, कहाँ खेला जाए, घर पे खेलो, ये घर आपका है वहाँ पे अंदर खेलिए। आते हैं भैया, बल्ला चला जाता। कुछ दिनों बाद हम लोग के अंकल जी होते हैं, तो वो कहते हैं बेटा आपको बैट दिलवा देंगे। पहली बात तो मेरी आदत थी नहीं जल्दी उठने की, कहते बेटा 5 बजे आ जाना, हम आपका बल्ला वल्ला सब आपका जो भी है सब दिलवा देंगे। भाई पहुँचे वहाँ पे, लगे पड़े हैं बुड्ढे वहाँ पे, हा हा हो हो है मतलब दुनिया भर का तीन तमाम कर रहे हैं हमें, तो सोचते सही करने तो बुड्ढों के पास काम ही गया, भैया खेलने के लिए तो पार्क बने नहीं हुए, तो खेलने का मन भी नहीं करता, पबजी अब से आ गया, इससे अच्छा छत पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पंखा चालू कर लो, कूलर चालू कर लो, अगर थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगे तो छत पे आके बैठ जाओ, पबजी ओपन करो, खेलना चालू कर दो। क्योंकि जो बिल्ली जी हैं वो भी आ चुकी हैं, ये देखो आवाज़ दे रही है,
उसको बिस्कुट बहुत पसंद है, मतलब लिखी लिखाई बात। बिल्लियाँ होती जिनको पसंद होता दूध, रोटी चावल दे दो खा लेंगे चली जाएंगी, ऐसा ऐसा ढूंढ डांड के चूहे खा लेती है। बट हमारी जो बिल्ली है ना उसको पसंद है, आप बिस्किट दे दीजिए, उसको इलायची फ्लेवर नहीं पसंद है, चॉकलेट पसंद है, और जो नमकीन अगर आप दे दो तो उसकी तो चांदी हो जाएगी। मतलब बिल्ली है कि क्या है, अनबिलीवेबल। आयुष लोगी का फोन आया है, आयुष ले पकड़ो बात करो, ले किसी का फोन आया बात कर लो, लो लो बात करो, बोलो हेलो गाइस। आज हम लोग AI एक साथ प्रैंक करने वाले हैं। ये 4 बजे उठा था, उसके बाद इसने ब्लॉग की कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की, उसके बाद ये सो गया और मेरे साथ आज कुछ प्रैंक करने वाला था, और ये सोने वाला है, सो गया है ये। अभी हम इसके साथ कोई प्रैंक करेंगे, ये यहाँ सो रहा है, अभी हम इसके साथ प्रैंक करते हैं। अनुराग ओ हेलो, मैं दोस्त का फ़ोन आ रहा है यार, थक गया। अभिजीत का यार। लो बात करो तुम बात। लो बात करो लो हेलो अबे क्या है यार ये भाई क्या कर रहे हो यार सुबह से यार ये भाई मतलब यार मतलब क्या हो गया यार, हमने सोचा था कि सुबह सुबह यार इसके साथ प्रैंक करेंगे, भाई मेरे साथ प्रैंक हो गया भाई, ये क्या है यार, किस्मत मेरी ऐसी है साला। थोड़ी बहुत तो एक क्लिप रिकॉर्ड करी थी, वो 6 से 7 बजे के आसपास, उसके बाद सो गए, हमें नहीं पता था भैया मेरे अभी चप्पल से कॉलिंग करते हैं यार, अब क्या बताया जाए। हाउ टू स्टार्ट द मॉर्निंग, जस्ट ड्रिंक अ वाटर, वन बॉल ऑफ वाटर, एक ग्लास ढंग से पानी पीते हैं, इससे फ्रेश हो जाए हम लोग, अभी भी जस्ट उठे हैं ना इससे। ग्लास मेजरमेंट तो है नहीं, अब जाके अंदर से ग्लास लेना पड़ेगा, वरना फिर ये बोतल है इसमें पानी भरा हुआ है, तो यही पानी पी लेते हैं। ये गलती कर दी भाई, पानी बैठ के पीना चाहिए यार, सॉरी। You have to follow that rule. Sit down and drink the water. खाना खाइए, 30 मिनट पहले पानी ना पीना, 30 मिनट बाद पानी ना पीना, फिर पानी ही पानी पीना, नहीं सही बात है। देखो भैया, हम लोग का जो नाश्ता चालू होता है वो उसके लिए चाहिए होता है बस एक बनाना, भाई हम लोगों का पीनट बटर जो कि पिंटोला का है भाई, मतलब एक ऑल नेचुरल भाई, कोई टेस्ट तो नहीं है इसमें, मतलब भाई टेस्ट बिल्कुल बेकार है, मतलब अगर आप बिना मिल्क के खाते हो तो इम्पॉसिबल, एंड 2 ब्रेड। ये रही हम लोगों की मील जो कि है बस 1 ब्रेड भाई, 2 ब्रेड खा लो, उसके भूख लगती नहीं है 2 बजे तक भाई, मेरा तो यही है, और 1 गिलास दूध बस, अब ये सब खाने के बाद नहीं मिलते। इस समय यार मेरा टाइम हो रहा है यार लंच का, तो ये रहा मेरा लंच, इस पर मैंने थोड़ा राइस लिया हुआ है, और दाल है, चटनी है, और सब्जी है, प्लस सैलेड तो अक्सर ही खाता हूँ भाई, मेरी आदत है। पहले क्या था, मैं चावल मतलब शाम टाइम खाता था, बट अभी चेंज कर दिया शेड्यूल, पहले चावल खाने लगा, रोटी बाद में खाने लगा बस। जस्ट थोड़ी देर पहले अभी उठाऊँ और जस्ट पानी पिया है, एंड जस्ट वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, बात कर लेते हैं कुछ नई, कुछ ज्ञान की बात है, मतलब अगर हम लोग अपने व्लॉग में कुछ ज्ञान की बातें ना करें तो व्लॉग यार मतलब अधूरा सा रहता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। सर मुझे भी याद है यार वो दिन जब बचपन की हुआ करते थे, तो हम लोग यार जस्ट इसी तरह छुट्टियों के लिए तरसते थे कि काश यार, काश मतलब छुट्टियाँ मिल जाए एक दिन की छुट्टी के लिए। कभी कभी होता था कि मतलब पेट दर्द नहीं भी हो रहा होता था, तो भाई कहते थे मम्मी यार पेट दर्द हो रहा, आज जाने का मन नहीं है, नहीं। मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, पापा तो मेरे वैसे भी हैं, अगर उनसे एक बार मैं कह देता था कि पापा यार मन नहीं कर रहा जाने का, तो तुरंत वो मना कर देते थे, मत जाओ कोई बात नहीं। तो यार अब क्या है क्वारंटाइन में, तो भैया मुझे याद भी नहीं है कि मैं कॉलेज यार कब गया हुआ था, 2 महीने पहले गया हुआ था,
मतलब इतनी लंबी छुट्टियां मतलब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होंगी। आप लोग भैया ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं मेरी तरीके। बट यार अगर मैं अपना बताऊं, मूवीज देख ली या कभी कभी कोई कार्टून्स देख ली। हाँ भाई कार्टून्स थोड़े अच्छे लगते हैं। क्या देखते भाई? कीवोन अच्छे है, बहुत अच्छा लगता है कार्टून हमें। रियली मतलब कह दो बच्चे हो क्या, मतलब बचपन तो मतलब चला गया है, बड़े हो गए हैं, 18 हो गए अब तो, मतलब 18 साल के। देखने मन नहीं करता तो भाई क्या घर पे करा। और गर्मी का माहौल तो भाई आप लोग देख ही रहे हो, 38 हाईएस्ट जा रहा है, 32-33 तो मतलब नॉर्मली है। वैसे भी तो मैं घर पे ही हूँ, बाहर तो निकल नहीं रहा हूँ, तो भाई मतलब कुछ पता लग नहीं रहा है कि क्या कंडीशन चल रही है बाहर की। तो बाहर तो केवल उनको ही पता होगा जो सब्जी वाले होते हैं, जो कुछ फल बेचने आपके बाहर आ रहा हूँ। भाई एक आपको सजेशन दूंगा कि भाई जो फल वाले होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, या कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल कूलर में जो घास भरने आते हैं, भाई अगर इस समय अगर आप ढूंढने जाओ ना कूलर में घास, तेरे कम पॉसिबल सी चीज़ होती है कि मतलब नहीं मिलती है भाई। और सब्जी फल वल तो वगैरह तो मतलब अगर कहीं कहीं पे तो कोई टाइमिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है। अगर आपके घर पे आके कोई यार डिलीवर करके जाता है, मतलब कोई भी हो, तो अगर वो 50 का अगर वो यार 60 भी मांग रहा है तो मेरे ओपिनियन से यार दे देना चाहिए। वो इतना रिस्क लेके वो टहल रहा है और उसके बावजूद आपको वो चीज़ सप्लाई कर रहा है, उसको 10-20 रुपये की कोई कीमत नहीं है। आप लोगों के लिए तो नहीं होगी ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कमा लेते हो भाई तो यार क्या दिक्कत है 10-20-30 रुपये दे देंगे। अगर अब हम लोग घाटा हो जाए 10-20-30 रुपये तो यार वो लोग अमीर तो कोई हो नहीं जाएंगे। मतलब नॉर्मली सी बात है कि जस्ट यार अपना पेट पालने के लिए वो बेचारा कर रहा, तभी पुलिस के डंडों से लेके जाने के गालियाँ तक वो लोग खाते हैं। और यार इसी से लेके मुझे मतलब एक ख्याल आया है भाई, आप देखते हो जो गरीब लोग होते हैं उस पर अधिकतर होते हैं भाई, वो लोग शादी वादी सब कर कर के बैठते हैं आराम से। अब ये जो रिवाज है ये गाँव में कुछ ज़्यादा चलता है कि भाई मतलब आपकी एज हो गई है, बस आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कोई मतलब बनता नहीं, जस्ट आप शादी कर लीजिए। अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक पे तो भाई आजकल की जनरेशन में भाई सेम ही है भाई, प्यार हो गया किसी को किसी लड़की से प्यार हो गया, कहीं कुछ हो गया, सो परेशान है उसके पीछे। भाई एक रियलिटी बता देना, 4 स्टेप होते हैं, पढ़ाई, देन ग्रेजुएशन, देन कोई बिजनेस कर लो या कुछ भी करना हो कर लो। पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, भले ही कुछ नहीं मिलता भाई, मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई से भाई कुछ भी नहीं मिलता। कर लोगे या तो भाई इतनी पढ़ाई कर लो कि तुम यार कुछ ना कुछ इतनी अच्छी नौकरी पा जाओ तो तुम अच्छे पैसे कमा सको। बट यार अगर आप एवरेज हो मेरी तरीके, मतलब एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई पे मतलब मन लगता है लेकिन इतना नहीं लगता है कि आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बिजनेस बहुत सारी लाइनें खुली हुई हैं। तो यार सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दे लो भाई, मेरा ओपिनियन जो है आपके आइए ब्लॉग से ओपिनियन है भाई, सुनने के बाद में दिमाग कुछ ज़्यादा तेज चलता है। सो करियर पर ध्यान दे लो, उसके बाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 ओपिनियन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ओपिनियन क्या? अरे भाई लड़कियाँ, ऑब्वियस सी बात है जो इन सब्जी वालों के साथ में हो रहा है ना, वो सेम आने वाले समय में तेरे साथ भी हो सकता है। सो प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स, नॉट ऑन गर्ल्स, ओके? एक बात ध्यान रखना, प्लीज़ बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स, नॉट ऑन गर्ल्स। इफ़ यू बी फोकस्ड ऑन गर्ल्स देन यू बी लीव योर गोल्स, इफ़ यू लीव योर गोल्स नो विल फॉलो यू। हाँ भाई थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ज्ञान हो गया, तो भाई अगर अच्छा लगा हो ये ज्ञान तो भाई ब्लॉग को शेयर करना ना करना वो आपकी मर्जी है, मतलब एक्स्ट्रा तो ज्ञान देना ज़रूरी होता है। अगर मतलब एक हट के कुछ नया करना है तो भाई कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ मतलब ऐसा तो बोलना ही पड़ेगा जिससे मतलब आपके हार्ट पे कुछ लगे और लगे हाँ भाई इस बंदे ने कुछ सही बात बताई। अभी मैं एक्सरसाइज की क्लिप्स ऐड करूँगा कि मैं एक्सरसाइज कैसे करता हूँ, हाँ और जो प्रॉपर एक्सरसाइज है मैं इस ब्लॉग में मतलब प्रॉपरली तो ऐड नहीं करूँगा, हाँ भाई थोड़ा सिनेमैटिक्स जो है वो ऐड करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि हाउ आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज ड्यूरिंग द लॉकडाउन।
सुबह लोग यार ये मेरी जस्ट यार हल्की सी मतलब जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ यार वही है। अगर आप लोग कहते हो कि मतलब मुझे अलग से पूरी वर्कआउट की वीडियो चाहिए तो मैं सोचूंगा इसके बारे में बनाने की, मतलब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब कौन सा सेट मैं कब करता हूँ, मतलब किस दिन मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी होती है, मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ठीक है। और भाई एक चीज़ बता दूँ, प्री वर्कआउट पे मैंने वही यार जो मैंने आपको दिखाया हुआ था ना सुबह, वही मेरा ब्रेड उस पर पीनट बटर और जो केले लेता हूँ लगा के और दूध थोड़ा सा वो लेता हूँ। एंड पोस्ट वर्कआउट में मेरा क्या हो गया भाई, एक गिलास भर के दूध पी लिया बात खत्म, बिकॉज वी आर नॉट ड्रिंकिंग द प्रोटीन एंड एनीथिंग एल्स। यू कैन जस्ट टेक अ बनाना शेक ऑल्सो, ओके हम तो तय लेते हैं बस। अगर आपको वीडियो पसंद आई आज की लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड बाय।